बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मम्स धमाका रेसिपीज। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है वेरी हेल्थी ये सैलड बना रही हूँ, जो कि है हेल्थी एवोकाडो ट्यूना सैलड। उसकी रेसिपी और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, और आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में भी बाज़ार खाने को दिल नहीं चाहता, तो आप इसको बना के लंच टाइम में डिनर में आप खा सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट ये हैं, मैं इसमें डालूंगी टूना जो कि मैंने एक कैन लिया है, इसका वेट है 145 ग्राम, और इसमें एक टीस्पून नमक जाएगा, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर डालूंगी, ऑलिव्स हैं हाफ अ कप, और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, और ये कुछ वेजिटेबल हैं सम, तो उसमें हैंडफुल में डालूंगी ये 1/4 कप के बराबर ये धनिया और पुदीना, और एक लेमन लिया है इसमें से मैं हाफ लेमन डालूंगी इसमें सैलड में, एक रेड ऑनियन ली है 1 अदद, और 5 से 6 अदद मैंने टमाटो चेरी लिए हैं, और 1 क्यूकम्बर लिया है, और 2 अदद मैंने एवोकाडो लिए हैं। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से अगर ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जाएंगी ट्यूना सैलड इसमें एवोकाडो ट्यूना सैलड बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इनको चॉप कर लेते हैं हम वेजिटेबल वगैरह को। तो ये देखिए इसी तरीके से सब काट लेंगे हम, लेते हैं एवोकाडो, इसको ऐसे काटते हैं हाफ करके पहले, ये देखिए इसको ऐसे प्रेस करके ऐसे निकाल लेते हैं, फिर ऐसे इसको निकाल देते हैं, इसको हाफ करेंगे, ये देखिए ये छील लिए मैंने, ये लास्ट ये भी रहेगा इसको ऐसे, ये थोड़ा सा सख्त है इसलिए ये ऐसे छिल रहा, नहीं तो इजीली पिल हो जाता है पीछे से इसका छिलका, इसको हम काट लेंगे ऐसे बारीक यहाँ पर। चलिए ये देखिए ये कट गए हैं, हम इनको इसमें बोल में डाल देते हैं, लेते हैं इसी में, ऑनियन भी हम इस तरीके से ही काटेंगे, पुदीना भी साथ ही में काट लेती हूँ, इसमें आपकी मर्जी है आपने अगर पुदीना डालना है या ये धनिया पसंद है आपको, दोनों में से जो भी चीज़ है, मैंने दोनों यूज़ किए हैं मुझे दोनों पसंद है। ये डालूंगी मैं गार्निश के लिए टमाटो भी, यहाँ पर ये मैंने फिश को कैन खोल के इसका पानी निचोड़ लिया, ऐसे करके पानी निचोड़ लेते हैं, ये जाएगा इसमें, तो इसमें मिक्स करेंगे सब चीज़ें, हाफ लेमन जूस यूज करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है, इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगी ये 1/2 कप है,
और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। टू टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। इसको मिक्स करेंगे। देखिए क्या शानदार बनी है। मेरी तो ये बहुत फेवरेट है, मुझे तो और कुछ ना हो ये, मैं बस यही बना के और मेरा लंच हो जाता है, और अगर डिनर टाइम हो तो डिनर टाइम पे बना लेती हूँ। बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए नाज़िम, मेरी ये टूना और एवोकाडो सैलड बनके तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की बनी है। ये मैं टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ कैसी लग रही है टेस्ट में, और इसका सीजनिंग कैसी है। तो सब चीज़ें मिक्स करके ऐसे बहुत ही परफेक्ट बनी है। एवरीथिंग जो मैंने जितने भी आपको बताए हैं, स्पाइसेस वगैरह जैसे भी डाले हैं, बिल्कुल सही है और बहुत मज़े की बनी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है तो उसको भी फॉलो कीजिए प्लीज़। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्थी है। तो चलें इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।